5 साल unutmuş gibisin उनकी शादी को 5 साल हो गए और मुझे 5 साल हो गए उसे बुलाने में। पता नहीं इन 5 सालों में उसने मुझे कभी याद किया भी होगा या नहीं। इन 5 साल में उसने शादी कर ली और वो बहुत खुश भी है, तो मैं क्यों उसके दुख में मुंह लटकाऊं। सब कुछ भुलाने की कोशिश की, 5 साल हो गए शादी को है और मेरे 5 साल जिसमें मैंने सब कुछ बुलाने की कोशिश की, अभी भी कर रहा हूं, करते रहूंगा, वो भूल गई मुझे। पता नहीं कभी याद किया या नहीं। उसने शादी कर ली और वो खुश है, और मेरा क्या, मुझे क्या मिला? मैं बस जिंदगी भर माइन में काम करता रहा और किया क्या है मेरे जिंदगी भर, पर क्या मैं खुश हूं? बताओ मुझे, क्या मैं खुश हूं? तुमने सही कहा था कि वो मेरे लायक नहीं है। तुमने उससे प्यार किया था, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, पर मैं ये बात अपने दिल को नहीं समझा सका क्योंकि वो सुनता ही नहीं है। ना मैंने किसी की सुनी और ना किसी की मानी। उसने मुझे कहा था कि वो मुझे प्यार करती है, और फिर क्या हुआ? छोड़कर चली गई मुझे। वो मुझे ऐसे देखती थी जैसे कोई बुलेट हो, उसने मुझे चोट पहुंचाई थी। फिर छोड़ दिया, मेरी फीलिंग्स को कुचल के रख दिया उसने। भाई वो सब बातें भूल जाओ, उन लोगों की दुनिया ही अलग है, उन्हें जो करना है करने दो। तुम भी तो अपनी दुनिया में खुश हो कि नहीं? देखो ना, इतनी कम उम्र में तुमने क्या कुछ हासिल नहीं कर लिया भाई। अच्छा एक बात बताओ केमाल, तुम यहां रुक रहे हो या फिर वापस जाओगे? मैं रुकूंगा। इतने सालों तक भागता रहा, क्या हासिल हुआ मुझे? अब मैं उनके रूल्स को तोड़ूंगा। खेल अब शुरू हुआ है। तुत्कुनुम हाला यरब। बाद में मिलता हूँ। तुम तो जा रहे हो भाई, मुझे लगा था हम पूरी रात पिएंगे। आज रात मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा दोस्त। घर जाके कौन सा तुम्हारा मन मान जाएगा भाई। देखो पैसे मैं दूंगा, तुम नहीं दोगे, तुम नहीं दोगे, पैसे मैं दूंगा, ठीक है? पर अगली बार हम किसी अच्छी जगह बैठेंगे। गुड नाइट भाई, गुड नाइट।
लग गया है। इसकी उम्र मेरे से भी ज्यादा है। मैं और सली इसे मेंटेन रखने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे इसकी उम्र तो इतनी बड़ी नहीं लगती। सच में? थैंक्स। अच्छा वो ऐसा कहा वरना ये नाराज हो जाती। हेलो मैम, कैसी हैं आप? मैं निहान, आपसे मिलके अच्छा लगा। हाय ब्यूटीफुल। जानता हूं तुम्हें नजरअंदाज किया, साथ में झेला है तुमने और मैंने दोनों ने। मैं आ नहीं पाया, बस नहीं आ पाया। शायद मैं ये सब याद नहीं करना चाहता। पता नहीं क्या मैं पुराने दिनों को याद किए बिना रह सकता हूं। नहीं, तुम चाहे यहां आओ या ना आओ पर पुराने दिनों को नहीं भूल सकते। मिसेस निहान, आप यहां क्या कर रही हैं? खास रात को आपको तो आपके हस्बैंड के साथ होना चाहिए था ना। तुम मुझसे क्या चाहते हो कि मां? यहां तो तुम आई हो, तुम यहां वापस क्यों आ गए? बिजनेस के लिए। जो कह रहे हो उसमें जरा सी भी सच्चाई है? क्या तुम यहां मेरे जवाब जानने आई हो? मैं यहां सुकून के लिए आई हूं। मैं यहां इसलिए आई हूं ताकि मेरा मन थोड़ा हल्का हो जाए। तुम मुझसे नफरत करते हो ना? नहीं। तो फिर तुम मुझसे मिलने यहां क्यों आए किमान? और तुमने हमारे घर पर आना एक्सेप्ट क्यों किया? क्योंकि मैं तुम्हारे हस्बैंड के साथ बिजनेस कर रहा हूं। उसका हस्बैंड जिसे तुम प्यार करते हो?
अगर ये सच है तो तुम मुझे हमेशा के लिए भूल क्यों नहीं जाते? अगर तुम चाहते हो मैं तुम पर यकीन करूं तो मेरी जिंदगी से निकल जाओ। तुम अतीत में अटक गई हो। तुम्हें ऐसा कोई नहीं मिलेगा जिसने तुम्हारे लिए सब कुछ किया। याद रखना ये बात, मैं तुमसे मिलना भी नहीं चाहता। हमें पुरानी यादों को दफना देना चाहिए। तुम्हें सिर्फ अपने हस्बैंड के बारे में सोचना चाहिए, समझ गई? मुझे पता है तुम मुझे सजा दे रहे हो। काश कि ये काम कर पाता, काश मैं तुम्हारे सामने झूठ बोल सकती थी, पर मैं ऐसा नहीं करूंगी। इससे कुछ नहीं बदलेगा। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ किमान। तुम कुछ भी कर लो पर तुम पहले जैसे नहीं रहे। क्या तुम हो पहले जैसी? मिल गया ना तुम्हें जवाब? अब तुम मेरी फीलिंग से हर्ट नहीं कर सकती। बहुत हुआ, जाओ वहीं जाओ जहां से तुम आई हो। तुम मुझसे ऐसे बात नहीं कर सकते। हस्बैंड से शिकायत करो। देखो क्या तुम्हारे पास इतने पैसे हैं कि मैं तुमसे तमीज से बात कर सकूं? तुम्हें लगता है कि तुमने ही सब कुछ सहा है ना केमान? नहीं, क्या पूछना चाहती हो वासु? हेलो, क्या तुम घर बंद रखोगे या कुछ और भी करना है? इस मामले की केयर मैं भी कर सकती हूँ। मुझे कुछ पता नहीं, मैंने कुछ सोचा नहीं। तो चांस है कि तुम वापस आ सकते हो? अब मैं नहीं आऊंगा, मैं यहीं रहूंगा। पर कह नहीं सकते कि जिंदगी में आगे क्या हो सकता है। क्या तुम श्योर हो कि नहीं आ सकते? मतलब ठीक से बताओ ना, हो गया नहीं? मुझे लगता नहीं कि मैं वापस आऊंगा। तुमने ये भी नहीं सोचा कि मैं तुम्हारे बिना क्या करूंगी? तुम सब अच्छे से कर लोगी, मुझे यकीन है। बस मेरी फिक्र मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ठीक है, गुड नाइट केमाल। बाय, गुड नाइट। क्यों नहीं हुए सुस्त? शायद वो आपसे अलग नहीं होना चाहता। केमाल, मैं तुम्हें देखकर काफी हैरान हो गई। क्यों? हैरान क्यों हो गई? तुम नहीं जाओगे। आपको क्या लगता है बताइए। तुम चाहते हो कि मैं पूछूं पर मैं ऐसा नहीं करूंगी। बस ये पूछूंगी कि किस बहाने से रुक रहे हो। कोई बहाना नहीं है, एमिर के साथ कुछ निपटाना है। क्या तुम नाराज हो? नहीं,
बस बता रहा हूं, और उसके लिए यही रहना होगा। उसे इंचार्ज नहीं बनने दूंगा, वो अपनी मनमानी नहीं कर सकता है। इस बार सब कुछ मेरे हिसाब से होगा। उसने अपने पावर का बहुत गलत इस्तेमाल किया है। जाहिर है तुम बदला लेना चाहते हो। तुमने तो यकीन के साथ कहा था कि सब कुछ खत्म हो गया है, अब ये सब क्या है कमाल? मेरी अभी मीटिंग है, मैं शाम में आपको कॉल करता हूं। चलो मैं तुम्हें छोड़ आऊं। जरा रुको रुको, जरा रुको। वैसे कल तुम उस पार्टी में गए थे ना, तुमने उन्हें उनके खास दिन पर खुश देखा होगा, है कि नहीं? और तुमने निहान के सामने भी काफी नॉर्मल दिखने की कोशिश की होगी। तो तब तुमने क्या किया? क्या तुमने उसका हाथ लेकर उससे पूछा कि हेलो मिसेस निहान, आप कैसे हैं? इतनी हिम्मत थी तुम्हें? फिर तुमने उसकी आंखों में देखा और फिर तुम्हें कुछ भी याद नहीं रहा? नहीं, मुझे मेरी सच्चाई याद आ गई। बस मुझे याद आया कैसे मैं उन यादों में कैद था और इतने साल कितना दर्द सहा है। पर अब और नहीं सहूंगा और किसी से नहीं भागूंगा। वो लोग मुझसे अब भागेंगे। तो तुम मानते हो कि तुम बदला लेना चाहते हो? मत करो, ऐसा मत करो केमाल, क्योंकि आखिर में दर्द तुम्हें होगा। लैला, इतने सालों में मुझे जितना दर्द सहना था मैं सह चुका हूं। देखो, तुम्हें निहान का सामना करना पड़ेगा। जब कुछ फील करो उसे जाहिर करो, आपस में बात करो, इससे कुछ हासिल नहीं होगा, सिर्फ तुम दोनों को दुख होगा। केमाल, मैंने उससे बात की। कब? कल रात में। क्या तुमने उसे बताया कि तुम उसे भुला नहीं पाए हो? उसे बताया कि ये तुम्हारे लिए कितना मुश्किल था? तुमने उससे बात तो की, लेकिन तुम दोनों ने एक दूसरे से झूठ बोला। अब मुझे जाना चाहिए। अगर सच्चाई से एक दूसरे के जज्बातों को समझोगे नहीं तो तुम अपनी बदले की आग से उन्हें जला दोगे और बर्बाद कर दोगे सब। ऐसा मत करना। तुम्हारे लिए ऐसा करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ठीक है भाई, समझ गया। लग जैसी कोई चीज नहीं होती मैं सुध, अगर है तो मुझे जरूरत नहीं।